ड्रग्स लिंक को नहीं बॉलीवुड रे सृष्टि होई झड़ उठपड़ होई माया नगरी दुई फाड़ हो जाती कलाकार गोटे गोष्ठी बॉलीवुड को बदनाम करा बोली अभियोग करे आउ एक गोष्ठी बॉलीवुड को ड्रग्स मुक्त करने बहाना नर्दमा सह तुलना करते बॉलीवुड सह ड्रग्स कनेक्शन आज नुहे बॉलीवुड एवं ड्रग्स लिंक को नहीं रही अनेक कहानी संजय दत्त फरदीन खान समेत निजे कंगना रणावत दिने ड्रग्स आडिक्ट थे बोली निजे स्वीकार करते एपरिकी अनेक धरा पड़ी जेल भी जाती किछि दिन परे एहा ढिला पड़ जाइछि आउ एबे पुणी थरे बॉलीवुड को ग्रास करिछि ड्रग्स निसारे झुमुछि बॉलीवुड ड्रग्स कबल रे कलाकार बॉलीवुड और ड्रग्स रो संपर्क आज काली रो नुहे ए संपर्क अनेक दिन रो ए प्रसंग कम समय रे चर्चा को आसी थाए हेले अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लिंक रे गिरफ हेबा परे पुणी थरे जोर धरिछि ए प्रसंग रिया को पूर्वरु बॉलीवुड रो बहु नामी दामी कलाकार ड्रग्स सेवन करिबा अभिजोग रे गिरफ मध्य होइछंती एपरि के केते जण ड्रग्स नेउथुबा कथा को खोला खोली स्वीकार मध्य करिछंती संजय दत्त बॉलीवुड रो जणे अन्यतम सफल अभिनेता 1980 दशक रु आज पर्यंत एकाधिक फिल्म रे अभिनय करी से सफलता साउटी छंती हेले से फिल्म दुनिया रे पाद देबा समय रे जणे ड्रग एडिक्ट होई जाइथिले एथि पई तांकु जेल मध्य जिबाकु पडिथिला एक कथा आमे कहु नाहु निजे संजय परवर्ती समय रे विभिन्न स्थान रे एने निजे निजर अकुआ कथा को कहिथिले ड्रग्स आडिक्ट हेबा परे से तांको जीवन रे कोन हराई छंती सेही कथा को सर्वसम्मुख रे बखाणी थिले आउ जुबो पीढ़ी को ड्रग्स थारु दूरेई रहिबा पई सतर्क करथिले मैं अपने घर पे पहुंचा ही था कि एक आदमी आके कहता है आपसे कोई मिलने आया है तो मैं बोला अभी किस कौन मिलने आया है सुबह 7 बजे तो मैं गया जो तो ड्रग पेडलर था वो मुझे मिलने आया और मुझे बोला बाबा ये नया माल है ये तेरे लिए लाया हूं ये तू रख ले फ्री में मुझे एक सेकंड डिसाइड करना था या तो लूं या तो ना लूं और वो एक सेकंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं जिंदगी में ड्रग्स कभी नहीं करूंगा। ममता कुलकर्णी एकाधिक बॉलीवुड फिल्म रे बेस्ट दमदार अभिनय करी दर्शकों मन जिणीले चुलबुली नायिका हेले 2016 रे से ड्रग्स व्यवसाय रे संप्रुक्त थिबा सामना को आसीथिला आंतरजातीय ड्रग्स माफिया तथा पार्टनर भिक्की गोस्वामी को सह मिसी ममता एही ड्रग्स रैकेट चलाइथिबा अभियोग होइथिला फरीदीन खान सेहिपरि 2011 रे फरीदीन खान गोटे ग्राम कोकेन सह धरा पड़ी से ही समय रे तांको निशा कारबार रे संपृक्त थिबा अभियोग रे मुंबई पुलिस गिरफ करिथिला कंगना रानावत बॉलीवुड रे ड्रग्स कारबार जोरसोर रे चलीथिबा अभियोग आनी चहल पकाइछंती कंगना आउ बॉलीवुड रो 90% कलाकार ड्रग्स सेवन करिथांती बोली से अभियोग करिथिले एवं कहिथिले रक्त परीक्षा करा गले बहु बड़ बड़ हस्ती जेल जिबे एथिसह वर्तमान रो किछि आगधाडीर अभिनेताकु निज आडु स्वच्छतार प्रमाण देबाकु आह्वान देइथिले हेले एहा पूर्वरु से निजे ड्रग्स आडिक्ट थिले बोली स्वीकार करिथिले कहिथिले पिला दिनरु तांकर एहा अभ्यास रे पड़ि जाइथिला तो मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी मेरी माँ कहती है कि एक बार तुम मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा आधा घंटा तुम ऐसा लगता है जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो ये सच है मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी एक ड्रग एडिक्ट थी मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ केवल बॉलीवुड रो अभिनेता कि अभिनेत्री नुहंती ए इंडस्ट्री सह जड़ित अन्य सदस्य माने मध्य ड्रग्स सेवन करुथुबार खबर अनेक समय रे चर्चा को आसी थाए एपरिकी ड्रग्स जे केवल बॉलीवुड रे प्रभाव विस्तार करिछि ताहा नुहे एहा कॉर्पोरेट जगत ठारु आरंभ करी विभिन्न सेक्टर रे कार्यरत
युवपीढ़ी मध्यरे बेश आदृत होईछि। हेले अभिनेता और अभिनेत्री मानकु आम देशर युवपीढ़ी आइकन भावे ग्रहण करुथुबारु एहारो मूलोत्पाटन एकांत आवश्यक। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।